वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। स्वागत है आपका नेक्स्ट डोज के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश दुनिया के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपसे आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का ये एपिसोड। सबसे पहला अपडेट है ओला की तरफ से। ओला ने फूड पांडा इंडिया के बिजनेस को कर लिया है अधिग्रहित, यानी कि अब ओला ने फूड पांडा को अधिग्रहित कर लिया है। अब इसमें आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है ओला। ओला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम आपको याद होना चाहिए और ओला का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको याद होना चाहिए। तो ओला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं भाविज अग्रवाल और ओला का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट अपडेट है WTO की तरफ से। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भारत खाद्य सुरक्षा पर WTO के सदस्य देशों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2018 में WTO के सदस्य देशों की जो बैठक होगी उसकी मेजबानी करेगा भारत। अभी अभी WTO का 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है कि WTO का 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है। ये हुआ है ब्यूनस आयर्स में, जो कि कहाँ पे है, ये है अर्जेंटीना में। नेक्स्ट अपडेट है असम के गुवाहाटी से। बैडमिंटन जूनियर राष्ट्रीय में आकर्षी कश्यप ने अंडर 17 और अंडर 19 खिताब जीत लिया है। अब इसमें आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है असम। असम के मुख्यमंत्री का नाम और असम के राज्यपाल का नाम आपको याद होना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट अपडेट है जर्मनी से। भारत ने जर्मनी में जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब इसमें आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की मुद्रा और जर्मनी के चांसलर का नाम आपको याद होना चाहिए। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की मुद्रा है यूरो और जर्मनी के चांसलर का नाम है एंजेला मर्केल। नेक्स्ट अपडेट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तरफ से। भारत 60वां सबसे इनोवेटिव देश बन गया है। अभी भी भारत 60वें नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर है स्विट्जरलैंड। आपको टॉप 5 देशों के नाम याद होने चाहिए जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 5 पे हैं। पहले पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर है स्वीडन, तीसरे पर है नीदरलैंड और चौथे पर है USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और पांचवें पर है यूनाइटेड किंगडम। तो ये पांचों नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला तो आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे कौन है। तो फर्स्ट नंबर पे है स्विट्जरलैंड और 60वें नंबर पे है अपना भारत। नेक्स्ट अपडेट है गोवा से। गोवा ने मनाया 56वां मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था 450 साल की गुलामी के बाद। तो इसमें आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है कि 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे और गोवा के मुख्यमंत्री का नाम और गोवा के गवर्नर का नाम आपको याद होना चाहिए। गोवा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर पारिकर और गोवा की गवर्नर हैं मृदुला सिन्हा। नेक्स्ट अपडेट है इराक की तरफ से। इराक भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के मामले में नंबर वन कंट्री बन गया है। अभी तक नंबर वन पे था सऊदी अरब। सऊदी अरब भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के मामले में अभी तक नंबर वन पे था, लेकिन इस साल यानी कि 2017 में इराक ने सऊदी अरब को पछाड़ दिया है और अब इराक भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के मामले में नंबर वन कंट्री बन गया है। तो इसमें आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है इराक। इराक की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, इराक की मुद्रा आपको याद होनी चाहिए और इराक के राष्ट्रपति का नाम आपको याद होना चाहिए। इराक की राजधानी है बगदाद, इराक की मुद्रा है इराकी दीनार और इराक के राष्ट्रपति हैं फ्यूद मसूम। नेक्स्ट अपडेट है टाटा की तरफ से। टाटा स्टील के जोड़ा माइन को मिला है गोल्डन पीकॉक इनोवेशन अवार्ड। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है कि गोल्डन पीकॉक इनोवेशन अवार्ड किसे मिला है। ये मिला है टाटा स्टील के जोड़ा माइन को। आपको याद होना चाहिए कि गोल्डन पीकॉक इनोवेशन अवार्ड की स्थापना हुई थी 1991 में। नेक्स्ट अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 दिसंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो ये डेट आपको याद हो जानी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 2017 में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है। उसकी थीम आप याद कर लें, इसकी थीम है सेफ माइग्रेशन इन अ वर्ल्ड ऑन द मूव। नेक्स्ट अपडेट है एनजीटी की तरफ से। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार हो गए हैं रिटायर। तो ये क्वेश्चन आपसे आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनजीटी के अभी जो अध्यक्ष रिटायर हुए हैं उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है जस्टिस स्वतंत्र कुमार। तो आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एनजीटी की फुल फॉर्म क्या है या एनजीटी की स्थापना कब हुई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद कर लें। एनजीटी की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और एनजीटी की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। तो ये थे करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट अपडेट्स जो आपसे आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेकर लगातार आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।